हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर हो, माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ दें। इसी के साथ मैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम लेके आया हूँ। मित्रों आप लोग जान लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो दूसरे की नहीं लेनी चाहिए और ना दूसरे को देनी चाहिए। सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं और आप इनको अगर भूल करके भी ले लेते हैं, जान के तो लेने में महापाप है, अगर भूल करके भी ले लेंगे तब भी उसका असर आपके ऊपर दिखाई पड़ेगा। और दिखाई क्या पड़ेगा? माता लक्ष्मी की नाराज़गी होगी, भगवान कुबेर की नाराज़गी होगी और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा, आपके घर में रोगों का वास हो जाएगा। तो निश्चित रूप से शास्त्र का अनुकरण करें, क्योंकि शास्त्र से निहित बात ही मैं लेकर के आया हूँ। शास्त्र से अलग बातों को मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना तो डराने आया हूँ और ना आपको धमकाने आया हूँ, क्योंकि आप अपने हैं इसलिए कुछ सुंदर जानकारियाँ देने आया हूँ। और इस जानकारियों को आप ग्रहण करिए और देखिएगा कि माता की कितनी अच्छी कृपा आपको होती है। बात शुरू करेंगे स्त्रियों से। स्त्रियां बहुत कोमल दिल की होती हैं, वो झटपट अपना सामान उठा के बिना कुछ सोचे अपने सासू को दे देंगी, अपने ननंद को दे देंगी, और देना भी चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से वो आपका परिवार है, आपके श्रेष्ठ लोग हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? बिछुआ। कभी अपने पैर में डला हुआ एक बार भी भूल के पैर में डाल लें अगर आप जो बिछुआ, तो उसे अपनी ननंद, सासू, जेठ, जेठानी, देवरानी या किसी अन्य विवाहिता स्त्री को ना दें या अविवाहिता स्त्री को भी ना दें। इससे बहुत निश्चित रूप से घातक परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। सिंदूर, वह जो सिंदूर आप अपनी मांगों में निश्चित रूप से अपनी सौभाग्यता के लिए लगाती हैं, उस सिंदूर को भी किसी को ना दें, नहीं तो आपके पति की आयु छीण होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और सिंदूर अगर आप देंगी तो हो सकता है कि इसका प्रभाव बने, इसलिए आप जो है सिंदूर दें, सिंदूर अलग रख लें, कोई एक डिब्बा ऐसा आप रख लें जिससे कि कोई मांगे तो उसे आप वही डिब्बा उठा करके दें, उसमें से वो सिंदूर लगाए। लेकिन जो सिंदूर आप यूज़ कर रही हैं, रोज़ अपनी मांग में लगाती हैं, वो सिंदूर बिल्कुल किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो इसके भी गंभीर परिणाम होते हैं। चूड़ियाँ, हाथ में डाली हुई चूड़ियाँ, क्योंकि आजकल बहुत बहुत अच्छा युग है, मॉडर्न युग है, रोज़ स्त्रियाँ एक दिन में 3-4 बार चूड़ियाँ चेंज करती हैं। एक बार हाथ में डाली, निकाल करके वहाँ पे स्थापित कर दिया अपने केस में, फिर वहाँ से निकाल दूसरी स्थापित कर दी। तो ध्यान रहे, जिन चूड़ियों को आपने पहना है उन चूड़ियों को किसी भी स्त्री को हाथ में पहनने के लिए ना दें, ये आपके सौभाग्यता के प्रतीक है, इससे भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और पुरुष स्त्री दोनों के लिए है कि अगर आप जिस पेन से साइन करते हैं या जो पेन आप हमेशा अपने कार्यों में यूज़ करते हैं, विद्यार्थियों के लिए भी है जो अपने एग्ज़ाम के लिए कलम बनाए हैं, उस पेन को किसी को भी ना दें, नहीं तो निश्चित रूप से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपके यहाँ से माता लक्ष्मी की नाराज़गी हो सकती है, जिसको आपने पेन दिया है उसके यहाँ जा सकती है। इसके साथ साथ अगर आप घड़ी पहनने के शौकीन हैं तो अपनी घड़ी को किसी को ना दें, नहीं तो आपका अच्छा समय उसके पास चला जाएगा, उसका बुरा समय आपके पास चला आएगा। अगर आप सगाई के लिए अंगूठी खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उधार या किसी से कर्ज लेकर के ना लें, अंगूठी भर का पैसा जरूर जमा करें अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, और गहना आप जो उधार लें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सगाई की वह जो है विशेष अंगूठी, इसे आप उधार ना लें, इसके भी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। साथ ही साथ तौलिया किसी की अगर यूज की हुई है तो उसे ना लें, तमाम बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। साबुन भी किसी की ना लें। अब आते हैं मुख्य बात पे। रात्रि के समय में स्त्रियों के लिए विशेष सावधानी है कि वो दही किसी को ना दें, नहीं तो माता लक्ष्मी का प्रभाव आपके घर से समाप्त हो जाता है और तमाम प्रकार के आपके जीवन में दुख पहुंचते हैं। दीपावली की रात या दिन आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा किसी को उपहार के स्वरूप में जो ना दें, भेंट के स्वरूप में ना दें, इसके भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, माता लक्ष्मी की नाराजगी हो सकती है। इस प्रकार से आप निश्चित रूप से कुछ सावधानियां बरतें जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। माता लक्ष्मी नाराज नहीं होंगी तो आपके जीवन की जो वास्तविक दिनचर्या है वो चलती रहेगी और आपको आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में हर प्रकार से सुख शांति यश कीर्ति आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह कार्यक्रम कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।